हेलो एवरीवन, आज हम सबसे आसान तरीके से पेंटिंग बनाना सीखेंगे। इस तकनीक से बने पेंटिंग को पोरिंग पेंटिंग भी कहते हैं। यह तकनीक इतना आसान है कि इसे कोई भी आसानी से बना सकता है, चाहे आप आर्ट फील्ड से बिलोंग करते हो या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यह वीडियो। इस पेंटिंग को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैमल का फ्लूइड एक्रिलिक कलर सेट। यह आपको आपके शहर के किसी भी स्टेशनरी शॉप में आसानी से मिल जाएगा, या आप चाहे तो इसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से भी इसे ले सकते हैं। कैमल का ये एक्रेलिक फ्लूड कलर सेट 3 सेट में उपलब्ध है। पहला है मोनोक्रोम, इसमें 4 कलर मिलते हैं, ब्लैक, वाइट, मेटेलिक सिल्वर और मेटेलिक गोल्ड। दूसरा है एक्वा, इसमें आपको मिलते हैं लाइट ब्लू, पर्सिन ब्लू, टर्क्विज ब्लू और वाइट। तीसरा शेड है सनसेट सेट, इसमें आपको मिलते हैं ब्रिलियंट पर्पल, क्रिम्सन रेड, ऑरेंज एंड पर्पल। मेरे पास इस वक्त सनसेट सेट है, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमें मिलता है 8x8 इंच का कैनवास बोर्ड, 25 ml के 4 कलर बॉटल, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ, ब्रिलियंट पर्पल, क्रिम्सन रेड, पर्पल एंड ऑरेंज। इसके अलावा हमें मिलता है एक एप्रॉन, ताकि हमारे कपड़े गंदे ना हों। इन सब के अलावा भी हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि पुराने अखबार, 4 डिस्पोजल कप्स और हैंड ग्लव्स, ताकि हमारे हाथ गंदे ना हों। सबसे पहले आप न्यूज़पेपर को अपने टेबल या फर्श, जहाँ पर भी आप पेंटिंग करने वाले हैं, वहाँ बिछा लें। उसके बीचों बीच 4 डिस्पोजल कप को उल्टा करके रख दें, ताकि आपका कैनवास बोर्ड सतह से थोड़ा ऊपर हो जाए, जिससे ऐसे पकड़ने में आसानी हो। फिर हम अपने ग्लव्स को दोनों हाथों में पहन लेंगे। अब एक एक करके हम चारों कलर्स को कैनवास बोर्ड में बारी बारी एक दूसरे के ऊपर डालेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सकते हैं कि मैं सारे कलर्स को कैसे बारी बारी एक दूसरे के ऊपर डाल रहा हूं। कलर डालने का कोई फिक्स्ड ऑर्डर या सीक्वेंस नहीं है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसे डाल सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि हमें सारे कैनवास बोर्ड को कवर करना है। इससे बने पेंटिंग को पडल पोरिंग कहते हैं। सारे कलर्स को हम बताए अनुसार कैनवास बोर्ड पर डाल देंगे, फिर हम कैनवास बोर्ड को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे चारों तरफ हिलाएंगे, ताकि कलर्स चारों ओर पूरे बोर्ड में फैल जाएं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कलर थोड़ा गाढ़ा होता है, तो इसे फैलने में भी थोड़ा समय लगता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा कलर पूरी तरह से कैनवास बोर्ड में फैल चुका है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप इसे फूंक कर भी फैला सकते हैं, या चाहें तो आप हेयर ड्रायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
से एक दिन के लिए सूखने छोड़ देंगे। ये पेंटिंग काफी अच्छी तरह से सूख चुका है, आप देख सकते हैं कि इसमें काफी खूबसूरत पैटर्न भी नजर आ रहे हैं जो काफी अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों, है ना ये पेंटिंग बनाना काफी आसान, तो आप भी इसे जरूर ट्राई करें और अपने घर के दीवार पर इसे सजा लें। ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा और जब भी कोई मेहमान आपके घर आएगा तो वो भी आपकी पेंटिंग की तारीफ़ करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।